हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एमपीपीएससी मेंस 2020 का सेकंड पेपर देखने वाले हैं जो कि अभी हुआ है। जितने भी तीन नंबर है उनके आंसर भी देखेंगे, पेपर का लेवल कैसा रहा वो भी देखेंगे, कौन सा प्रश्न सभी लोगों से बन पाया होगा, कौन सा प्रश्न नहीं बन पाया होगा वो भी हम आगे देखेंगे। बहुत सारे टॉपिक जो मैंने कल बताए थे उसमें से ही प्रश्न लिए गए हैं, और जो नोट्स में क्वेश्चन थे वहाँ से क्वेश्चन लिए गए हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए 85% जो पेपर है बहुत अच्छा आया। आपने कहीं से भी नोट्स लिया हो वहाँ से आपका फंसा ही होगा। मैं ये नहीं कह रही मेरे नोट्स से, आप कहीं भी लिए हो ऐसा पेपर है कि अगर आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा होगा तो वो वहाँ पर ज़रूर ही आया होगा। मेरे नोट्स का ये है कि प्रश्नोत्तर श्रृंखला में है तो टू द पॉइंट ये कहो कि हूबहू वहाँ पर मिल जाता है, इसलिए वहाँ से आ जाता है। तो अब पहला हम देखते हैं, सबसे पहले पार्ट वन का देखते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव आप सभी लोग लिख के आए होंगे, एक संवैधानिक प्रपत्र है, संविधान निर्माण करने वाले उद्देश्यों का इसमें वर्णन है, और नेहरू जी ये लाए थे। आपने ये ज़रूर इसको मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको तैयार किया और 13 दिसंबर 1946 को ये उद्देश्य प्रस्ताव आया। तो उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, एक संवैधानिक प्रपत्र है, संविधान निर्माण करने वाले उद्देश्यों का इसमें वर्णन है, 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने इसको तैयार किया। फ्रेंड्स, एक से दो घंटे बाद कल के लिए मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट्स को पूरा एक बार रिव्यू करा दूंगी, जितने भी उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं तो वो क्वेश्चन आप एक बार ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा। पूरा विज्ञान का, जीव विज्ञान हो, भले हेल्थ हो, कंप्यूटर हो, मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैथ की कुछ थ्योरी भी हैं तो वो आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद है, तो ये आपने लिख दिया एक संवैधानिक प्रपत्र, संविधान निर्माण करने वाले उद्देश्यों का वर्णन, 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने तैयार किया। दूसरा है भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकार की विशेषताएं। तो मौलिक अधिकार की विशेषता कल ही मैंने बताया था, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य भी जरूर करना है, क्वेश्चन आना ही आना है। तो व्यावहारिकता पर आधारित था ये पहला, ये हो जाएगा। न्यायालय द्वारा इसको संरक्षण है, क्योंकि न्यायालय द्वारा ये प्रवर्तनीय है, और सर्वाधिक विस्तृत है ये मौलिक अधिकार जो है। तो इस प्रकार से आप मौलिक अधिकार की विशेषता लिख सकते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन कल मैंने बोला था, न्यायिक सक्रियता, न्यायिक पुनरावलोकन आ सकता है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत कार्यपालिका के कार्यों की न्यायपालिका द्वारा पुनरीक्षा की जाती है। न्यायिक पुनरावलोकन में क्या होता है, कार्यपालिका के कार्यों की न्यायपालिका द्वारा पुनरीक्षा की जाती है। फिर भारत के नियंत्रक महालेखा, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या, तो नियंत्रक महालेखा परीक्षा क्या करता है, संघ और प्रत्येक राज्य, तो संघ शासित प्रदेश हो, पूरा संघ हो और राज्य हो, उनकी प्राप्तियों और व्यय की, जो भी उन्हें प्राप्त हुआ हो, जो भी उन्हें खर्च किया हो, उसकी लेखा परीक्षा करता है कौन, कैग। अगला है प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 में वर्णित काम। तो प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम क्या करता है, तो संघ और राज्य के बीच जो लंबित प्रकरण होते हैं उनकी जांच करता है। उसके बाद इसका काम मेन क्या होता है, ये क्यों बनाया जाता है कि जो न्यायालय में कार्य अटके हुए हैं, लंबित प्रकरण पड़े हुए हैं, उनमें तेजी लाना और उनके भार को कम करना, और जो नए नए अधिवक्ता हैं, विशेषज्ञ हैं, उनकी सेवा का लाभ उठाने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है कौन, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम। फिर है भाषाई अल्पसंख्यक, तो एक लोगों का ऐसा समूह जिसकी मातृभाषा उस राज्य की जो मुख्य भाषा है उससे अलग हो, लोगों का एक ऐसा समूह जिनकी जो मातृभाषा है वो उस राज्य की मुख्य भाषा से अलग हो, वो भाषाई अल्पसंख्यक कहलाते हैं। घोषित करने का अधिकार इसको राज्य को होता है कि ये भाषाई अल्पसंख्यक होगी या नहीं होगी। अब बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था, 16 जनवरी 1957 को हुआ था, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने नवंबर 1957 में दी थी। और राष्ट्रीय विस्तार योजना और सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जांच परख करने के लिए इसका गठन हुआ था, जिसने पंचायती राज व्यवस्था को की त्रिस्तरीय संरचना दी थी। बाल अधिकार संरक्षण जो अधिनियम है, क्या उद्देश्य था उनका, तो बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए कानूनी उपाय करना, उनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो उसके लिए जांच करना, कार्यवाही करना, पूछताछ करना, ये बाल अधिकार संरक्षण 2005 का उद्देश्य है। लोक प्रशासन के संदर्भ में लोकप्रिय संप्रभुता, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये तीन नंबर में अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया है जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा टफ हो। हाँ, ये कह सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन का 80% लेवल है, कुछ का 70% है, कुछ बहुत ही ब्लो लेवल है, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि पेपर पूरे का पूरा सिलेबस में आया है। नोट्स अगर आपने पढ़े होंगे तो आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। लोकप्रिय संप्रभुता क्या होती है,
तो सरकार का अधिकार लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से ही होता है। तो जब चुने हुए प्रतिनिधि के माध्यम से ही होता है, तो प्रतिनिधि ही चलाते हैं सरकार को, प्रतिनिधि ही चुनते हैं, तो वो लोकप्रिय संप्रभुता कहलाती है। बहुत सरल क्वेश्चन था। कौटिल के अनुसार राज्य के प्रमुख अंग, ये आप पिछले में इनसे ही याद करते आ रहे हैं। कौटिल के अनुसार राज्य के 7 अंग होते हैं, राजा, अमात्य, मित्र, दंड, कोष, दुर्ग और जनपद। अगला क्वेश्चन है, टैगर के अनुसार शिक्षा को, जितना शिक्षा प्राप्त करेंगे, जितनी शिक्षा से आप, जितना ज़्यादा शिक्षा से अवगत रहेंगे, जितनी उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे, उतने ज़्यादा आप स्वतंत्र रहेंगे। जयप्रकाश वर्णित द्वारा जो लोकतंत्र के 5 स्तंभ है, ये तो आप बहुत थ्योरी वाइज क्वेश्चन है, ये तो आप कर ही लिया होगा। लोकतंत्र के 5 स्तंभ, नवीन लोक प्रबंधन में 3 E क्या है? अगर आपने ये प्रबंधन नहीं पढ़ा होगा, नवीन लोक प्रबंधन, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आया होगा। बाकी ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मेरे नोट्स में भी दिया है, और आपने कहीं भी नवीन लोक प्रबंधन पढ़ा होगा तो ये, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये जरूर दिया होगा। इसका फुल फॉर्म है इकोनॉमी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। एक ही का मतलब होता है इकोनॉमी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। मैक्स वेबर द्वारा वर्णित प्राधिकार, ये शायद आप लोगों को प्रॉब्लम आया होगा, ये क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ज्यादा है। तो मैक्स वेबर द्वारा वर्णित प्राधिकार, कानूनी सत्ता, पारंपरिक सत्ता और करिश्माई सत्ता, ये 3 है। कानूनी सत्ता, पारंपरिक सत्ता और करिश्माई सत्ता। आदेश की एकता का विचार क्या है? तो किसी कार्य को करने का निर्देश उसके लिए निर्धारित एक व्यक्ति से आना चाहिए। आदेश की एकता का विचार, ये क्वेश्चन भी आप लोगों में से बहुत लोगों से नहीं बना होगा। किसी कार्य को करने का निर्देश उसके लिए निर्धारित एक व्यक्ति से आना चाहिए। देखो 3 नंबर में मैं आपको बताऊँ, यहाँ ये स्थिति बने कि जो लोग पहले से मेंस दे रहे हैं उनको लोक प्रशासन और समाज शास्त्र के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी। बाकी तो बहुत ज़्यादा फैमिलियर है क्वेश्चन से, तो क्वेश्चन देखते ही आंसर दे देते हैं। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ टेंशन मत लीजिए, घबराइए मत। मेरे एक स्टूडेंट हैं, राजा नाम है उनका, उनकी अचानक से कल रात को तबीयत ख़राब हो गई, और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। 2019 का भी उन्होंने मेंस दिया हुआ था और बहुत अच्छे एग्ज़ाम गए हुए थे, लेकिन कुछ कारणों से उनका रह गया और कल आज का एग्ज़ाम वो नहीं दे पाए, जिससे उनके आगे के मेंस भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एक ही एग्ज़ाम उन्होंने नहीं दिया है, तो अब आगे से उनका कोई मतलब नहीं। तो वो घबराहट, परेशानी, ये आप लोग, ये सब, इन सब पे ही आपको मतलब विजय पाना है, इसी से ही आपको लड़ना है। जितना आप कूल दिमाग रहेंगे, जितना आप शांत रहेंगे, वहाँ नहीं आते हुए भी उस क्वेश्चन से संबंधित प्रश्न को बहुत अच्छे से लिख के आ पाएंगे। तो यहाँ प्रश्न आने से अच्छा है कि आप उसकी प्रैक्टिस कितना अच्छे से, वहाँ पे आप कितना अच्छे से लिख पा रहे हैं। आपने दिन रात मेहनत की, आप दिन रात प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप टाइमिंग भी बना रहे हैं, और एंड मोमेंट पर आपकी तबीयत ख़राब हो जाए या एंड मोमेंट पे आपका वहाँ पे आप भूल जाएं, क्योंकि आप जाते जाते तक पढ़ाई कर रहे हैं, आप रात भर पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो स्थिति मत पैदा कीजिए। अभी भी एक समय है, आगे भी आपके पास मेंस है, अभी आप प्रीलिम्स दे रहे हैं नेक्स्ट मंथ में, तो प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए, अगर किसी के साथ ऐसा हो जाता है तो। अब हम पढ़ते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में देखेंगे हम कि देखो, पहला है संवैधानिक संशोधन के माध्यम से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन उठाए गए कदम। बहुत अच्छे से लिख दिया होगा कि संविधान संशोधन के माध्यम से जहाँ जहाँ हमको ज़रूरत पड़ती है कि हाँ यहाँ संविधान इस वर्ग के लिए, ये संविधान पिछड़ा, अन्य कितने हम यहाँ पे उदाहरण लिख सकते हैं, OBC के लिए संशोधन किया गया, EWS के लिए संशोधन किया गया, सामाजिक आर्थिक रूप से बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। राज्य स्वायत्तता को परिभाषित कीजिए, भारत में राज्य स्वायत्तता की मांग, स्वतंत्रता, लगातार राज्य स्वतंत्रता की मांग उठ रही है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे कहीं अकाली दल से अलग अलग राज्यों की मांग उठा रहे हैं, चाहे झारखंड हो, चाहे पश्चिम बंगाल का क्षेत्र हो, तो यहाँ पे ये आपको बताना है। नीति निर्देश आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांत, तो ये 3 ही क्वेश्चन अच्छा है, इनका लेवल आप कर आए होंगे। चुनाव आयोग, वेरी वेरी बहुत सरल क्वेश्चन है, नोट्स पढ़े होंगे आपने मेरे या कहीं के भी, तो आप करके आ पाए होंगे। जनजाति आयोग बहुत सरल है, ये तो अलग से ही, मैंने कल ही बोला था आयोग में तो आने ही क्वेश्चन है। प्रेस को लोकतंत्र का 4th स्तंभ क्यों कहते हैं, ये भी आप करके आ पाए होंगे। राम मनोहर लोहिया द्वारा 4 स्तंभ राज्य की अवधारणा, ये भी आपने कर दिया होगा। करमचंद गांधी का ट्रस्टी से बहुत ही सरल क्वेश्चन है। प्रत्ययोजन की अवधारणा और उसकी, अगर आपने मेरे नोट्स लिए होंगे तो ये इस प्रशासन में आपको मिल गया होगा। सत्ता की जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व, देखो ये अभी तक तो क्वेश्चन बहुत ईजी आए हैं 5 नंबर वाले। अगर हम 15 नंबर वाले देखें तो केंद्र राज्य संबंध, मैंने आपने देखा होगा
कल मैंने बोला था कि केंद्र राज्य संबंधों के जितनी भी संबंध है आपस में, विधायी हो चाहे प्रशासनिक हो, सबको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। और देखिए प्रशासनिक शक्ति विभाजन आ गया और दूसरा भी न्यायिक सक्रियता आ गया। दोनों ये न्यायिक सक्रियता भी मैंने कल दोनों ही टॉपिक दिए थे, रात को ही मैंने डाले थे 6-7 बजे कि इन दोनों में से मतलब आप इनमें इन टॉपिक में से आप लोग कर ही लेना। तो देखिए दोनों ही टॉपिक आए हैं, दोनों ही आप करके आए होंगे। 1998 के बाद चुनावी सुधा, ये सॉल्ट पेपर अगर आपने किया होगा तो ये वाला आप करके आए होंगे। मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाली मीडिया की भूमिका, कल ही मैंने मीडिया की भूमिका भी बोला था आपसे। मानव अधिकार आयोग, अच्छा डॉक्टर अम्बेडकर के बचाए, ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है। बुनियादी संरचना के सिद्धांत को मजबूत करने में महत्वपूर्ण चर्चा, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का मैंने कहा था कि कल सबसे पहले मैंने डाला था कि जयप्रकाश नारायण का क्वेश्चन जरूर कर लेना। तो देखो आपको 11 नंबर में ये आ गया और ये आपको हमारे नोट्स में भी मिलेगा पॉलिटी थिंकर वाले में। लोक प्रशासनिक विकास के रूप में, ये तो मैंने कल अपने लोक प्रशासन वाले ग्रुप में भी डाला था। अगर आप लोगों में से कोई भी ग्रुप मेरा देखता है, जिन्होंने नोट्स लिए होंगे उनको ग्रुप मिला होगा, तो कल मैंने आंसर सहित इस पर डाला था कि लोक प्रशासन एक विषय के विकास के रूप में, तो देखिएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके वाला स्थायी कार्यपालिका और राजनीतिक कार्यपालिका दोनों को। तो आप अगर ये ऊपर वाला ही ज़्यादा सरल लगा है मुझे, तो ये वाला आप ज़्यादा अच्छे से करके आ पाए होंगे। अब हम सेकेंड पार्ट देखते हैं, कृषक उत्पादक संगठन क्या है। तो कृषक उत्पादक संगठन क्या है, तो ये जो समान विचारधारा वाले किसान होते हैं, ये कृषि में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने के लिए इस प्रकार से संगठन की योजना बनाते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि बड़े बाजार से किसानों को ये जोड़ता है। खुले बाजार की क्रियाएं से क्या समझते हैं, तो ये RBI द्वारा एक नियंत्रित क्रिया है, ऐसा लिख सकते हैं। जब बाजार में तरलता घटती बढ़ती है, तब RBI सरकार की जो प्रतिभूति है वो बाजार प्रतिभूति जो बॉन्ड है उनको खुले बाजार में चलाता है, ताकि जो तरलता है वो संतुलित हो जाए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में विशेष आहरण, जिसको SDR बोलते हैं, विशेष आहरण अधिकार को, ये 1969 में IMF द्वारा सृजित किया गया है। आपको ऐसा लिखना है 1969 में IMF द्वारा सृजित किया है। मौद्रिक रिजर्व करेंसी का एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। सदस्य देशों के वर्तमान जो मनी होता है उसको रिजर्व का एक पूरक के रूप में ये रखता है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, मुख्यमंत्री किसान कल्याण उन लोगों के लिए है जो PM किसान योजना का लाभ ले रहे हैं, और 4,000 रुपये की किस्त 2 किस्तों में इनको दी जाती है। इसके दलहनी फसल आपने लिखी दी होगी, तुअर चना मसूर, तुअर हमारे यहाँ की प्रमुख है। और मसाला क्षेत्र बाजार में बिना किन मसाला को सम्मिलित किया गया है, तो हल्दी को, अदरक को, लहसुन को सम्मिलित किया गया है। और शिक्षा जो है संवर्ती को कब की गई थी इसको शामिल, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको शामिल किया गया था, 42वें 1976 में। और इसके बाद शिक्षा के 3 उद्देश्य आप लोग लिख ही देंगे, शिक्षा के, सभ्यता को संस्कृति का समानार्थक माना है। 4 आश्रमों का उल्लेख किस में किया गया है, तो 4 आश्रमों का जो उल्लेख किया गया है वो जावली उपनिषद में किया गया है। किस में किया गया है, जावली उपनिषद में किया गया है, 4 आश्रमों का जो उल्लेख है। इसके बाद के जो हिंदू के कोई 4 प्रभाव जो ये जनसंख्या भी है, तो बहुत सरल क्वेश्चन है, आप लोग कर ही लेंगे। अब इनके 5 नंबर के आते हैं, भारत के आर्थिक विकास में विदेशी सहायता की भूमिका, ये भी सरल क्वेश्चन है, आप कर दिए होंगे। क्षेत्रीय असंतुलन के कारण, ये भी आप कर दिए होंगे। क्षेत्रीय असंतुलन मैंने बोला था, क्षेत्रीय असंतुलन बहुत इंपॉर्टेंट। 8 से 10 दिन पहले मैंने पूरे अर्थशास्त्र का एक रिव्यू लेके आई थी, उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन बताया था। मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास में अनुकूल कारक सरकार की जो सकारात्मक रवैया है वो आप यहाँ पर लिख सकते थे, कि सरकार जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट चला रही है उसके बारे में आप यहाँ पर लिख सकते थे। मध्य प्रदेश की महिला नीति 2015, ये मैंने अपने ग्रुप में डाला हुआ था, लगभग 1 महीने पहले मैंने महिला नीति के डाला हुआ था ग्रुप में, तो आपको मिला होगा। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के प्रमुख लक्ष्यों की विवेचना कीजिए, शायद ये लिखने में आपको प्रॉब्लम आई होगी, लेकिन अगर यहाँ पे यही देखो, ये ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जिनका लेवल बहुत कम सरल होता है, लेकिन हम क्या होते हैं वही टफ क्वेश्चन पड़े हुए होते हैं, तो ये फिर हम वहाँ पे जाके हमको ये नहीं समझ में आता है कि हमको लिखना क्या है इसमें। और अगर वहीं हमारा दिमाग शांत रहा होता तो हम इसमें बहुत अच्छा लिख के आते, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा ही सबसे मेन है और इसके बारे में हम बहुत अच्छा लिख सकते हैं। इसके बाद वरिष्ठ नागरिकों पर राष्ट्रीय नीति, सभ्यता का टकराव क्या है, फैमिली कोर्ट एक्ट 1900, ये समाजशास्त्र का क्वेश्चन है और समाजशास्त्र का बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए, अगर आपने समाजशास्त्र पढ़ा होगा जो सिलेबस में दिया है वही दिया है। स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल का समाजशास्त्र क्या है, ये आप अपने मन से लिख सकते थे। कुपोषण क्या है, ये तो आपको सब जगह ही आप खुद ही मन से भी लिख सकते हो और हर जगह की नोट्स में भी आपको मिलेगा।
वित्तीय समावेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जनधन में भूमिका, जनधन में भूमिका और वित्तीय समावेशन, ये पूरा का पूरा मेरे मेंस के नोट्स में आपको मिल जाएगा अर्थशास्त्र वाले। और ये वाला भी जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान मेक इन इंडिया, ये भी आपको मेरे नोट्स में मिल जाएगा। और अगर आपने मेरा सॉल्व पेपर हैंड रिटन लिया होगा तो सेम टू सेम आंसर, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर से लिया गया है। और मैं बार बार आपको यही बोलती आ रही हूँ कि पुराने पेपर पढ़ के जाइए, पुराने पेपर पढ़ के जाइए, वहाँ से क्वेश्चन लेते हैं। और ये क्वेश्चन जो है बहुत बार एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है, फिर से पूछा जा चुका है, डायरेक्ट 11 नंबर का क्वेश्चन, और मैंने बहुत अच्छे से फ्लो चार्ट में इसको कवर किया था। अगर आपने मेरे नोट्स लिए होंगे, सॉल्व पेपर भी लिया होगा अगर आपने मेरे, तो भी आपको मिल गया होगा। तो ये दोनों ही आंसर बहुत ईजी हैं, मतलब बहुत ही लेवल जो है इनका बहुत ही कम है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, तो ऐसा नया कुछ नहीं है। इसके बाद ये दोनों क्वेश्चन नए हैं थोड़े से। उद्यानिकी से आप क्या समझते हैं, उद्यानिकी किस प्रकार मध्य प्रदेश के किसानों की आय दुगनी कर सकती है, ये आप अपने लिख सकते हैं। मध्य प्रदेश में कृषि विपणन सबल, ये कृषि विपणन प्रणाली के सुधार, ये आपको नोट्स में मिली गए होंगे, कहीं भी नोट्स पे आप पढ़े होंगे अगर ये टॉपिक, तो आप यहाँ पर ये लिख पाएंगे। से मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन उद्योग, ये वाला जो क्वेश्चन है पर्यटन उद्योग वाला, ये मेरे मेंस के नोट्स में कवर है। इसके बाद ये प्रीवियस एग्जाम में भी आ चुका है, तो ये दोनों ही क्वेश्चन अच्छा है दोनों का। महिलाओं की शिक्षा की स्थिति की चुनौतियों और वंचित वर्ग, यहाँ पे आप ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से लिख के आए होंगे, वंचित वर्ग की समस्याओं के कारण उन्हें आकर। एक बात बताऊँ, 2019 के पेपर से ये वाला पेपर जो पहला पेपर आया है और ये सेकेंड पेपर जो आया है, दोनों का दोनों ही बहुत अच्छे हैं। 2019 का पेपर जो था थोड़ा सा उसका लेवल हाई था, करंट अफेयर्स के बहुत सारे प्रश्न वहां पे डाल दिए थे, यहां करंट डाला ही नहीं है, पूरा का पूरा जो है सिलेबस को ही कवर किया। अगर सिलेबस कोई बहुत अच्छे से पढ़ के गया होगा तो मेंस बहुत अच्छे से, अगर आप लोग मेरे नोट्स पढ़ के गए होंगे लास्ट टाइम तक भी, तो आप पूरा का पूरा पेपर करके आएंगे। और आप कोई भी नोट्स जहां पे बहुत अच्छे से सिलेबस कवर किया होगा वो आप करके आएंगे। पुरुषार्थ समाजशास्त्र में बहुत अच्छे से दिया गया है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम बहुत अच्छे से दिया, क्योंकि ये सिलेबस के ही है। कुछ कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट सिलेबस से ही उठाए हैं, जैसे कि पुरुषार्थ हुआ, कुटुंब न्यायालय हुआ, सामुदायिक विकास कार्यक्रम हुआ, डायरेक्ट वहां से उठाए गए हैं। इसके बाद नातेदारी को समझे, कल ही मैंने ये बोला था कि WHO तो आना ही है, 3 में 5 में 11 में WHO तो करिए ही, और देखिए 3 नंबर में भी आया है और 11 नंबर में भी आया है। तो देखिए पेपर का लेवल बहुत अच्छा था, और यहाँ पे अगर जिसने भी पढ़ाई करी होगी यहाँ स्कोर बहुत अच्छा जाने वाला है। पेपर सेकंड का भी और पेपर फर्स्ट का भी कट ऑफ बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत अच्छा है। अब लेवल आता सबको है, आंसर सब लिख सकते हैं, पता है कि क्या लिखना है, पर यहाँ पर प्रॉब्लम ये फेस आ रही है स्टूडेंट के साथ कि आंसर राइटिंग, मतलब जब वहाँ पर लिख रहे हैं तो टाइमिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो गया है। पहले हमको 3 क्वेश्चन लिखने रहते थे, लेकिन 3-3 पेज के लिखने पड़ते थे, अभी हमको 5 क्वेश्चन लिखने हैं, भले ही 2-2 पेज के लिखने हैं, लेकिन लिखने 5 हैं, तो वही वो दिमाग जो है, दिमाग का सेटअप 2 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बनाने में और 3 क्वेश्चन बनाने में वही वो समय लग जाता है। तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा ये पेपर आप अभी अच्छे से दे दीजिए। और मैं यही बोलूँगी बार बार कि जो भी जिसको भी थोड़ा बहुत भी तनाव हो रहा हो कि आप पेपर बिगड़ा गया है, छूट गया है, या कोई क्वेश्चन छूट गया है, तो उसके लिए अगले पेपर की तैयारी कीजिए। मैंने कल वाले वीडियो में बताया था कि एक मेरे परिचित हैं, मेरे फ्रेंड हैं, उनका एक स्टूडेंट है, और उनका 2019 में पहला पेपर बिगड़ गया था और वो सेकंड पेपर देने ही नहीं जा रहे थे, लेकिन और जब भी 2019 का रिजल्ट आया तो उनका हो गया था। तो वही बोल रहे हो, यहाँ पर एक 50% लक काम करता है, तो अगर कोई एक पेपर बिगड़ भी जाता है तो नेक्स्ट की तैयारी कीजिए। भगवान आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है, और अच्छे से बस मेहनत कीजिए, रिवीजन अच्छे से कीजिए। थोड़ी देर बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो के थ्रू लाऊंगी। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो वो ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालती रहती हूँ। कल भी मैंने 11-12 बजे तक रात तक इंपॉर्टेंट डाले थे कि कम से कम आप वो क्वेश्चन तो रिवाइज करके ही जाइए। और स्टेटस पर भी मैं डालती रहती हूँ व्हाट्सएप स्टेटस पर, तो अगर आपका नंबर मेरे पास सेव नहीं है तो वो भी सेव करा दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और नेक्स्ट कल के वीडियो के लिए। और एक और चैनल मैंने बनाया है ट्रिकी जीके के लिए, MPPSC प्री के लिए, उसकी लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।